आगरा में शाहगंज थाना क्षेत्र के मुरली विहार में आधी रात को एक युवक ने घरों के बाहर खड़ी आधा दर्जन कारों को आग लगा दी। इस घटना में आरोपी ने लाइटर से एक एक कर कारों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद युवक ने रेलवे लाइन किनारे एक खोखे में भी आग लगा दी। वहीं रात के वक्त जैसे ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी तो लोगों में दहशत फैल गई, जबकि घर के बाहर धुआं उठता देख कॉलोनी के लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं सूचना के बाद देर रात दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया लेकिन तब तक कई वाहन पूरी तरह जल चुके थे। इस बीच कॉलोनी में लगे सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर लोगों ने एक संदिग्ध को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, जिसको हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि शाहगंज थाना क्षेत्र की 7 कारों में आग लगाने के मामले में आगरा इंटेलिजेंस ने जुबेर नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है, जो कि हरियाणा से आया है। अब इंटेलिजेंस इस युवक से कारों में आग लगाने का कारण पता कर रही है। इसके साथ ही ये हरियाणा से आगरा क्यों आया है, इसका मकसद भी पता लगाने में जुटी है।